Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त हर्षित और आप देख रहे हैं किस्से कहे अनकहे। दोस्तों, एक किस्सा है सन 1981 का, जब मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुजफ्फर अली साहब एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था उमराव जान। इन आँखों की मस्ती के दोस्तों, मशहूर नॉवेल निगार मिर्जा हादी रुसवा जी ने सन 1905 में एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था उमराव जान अदा। ये फिल्म उसी पर आधारित थी। दोस्तों, जब म्यूजिक डायरेक्टर का इंतखाब किया जा रहा था तो मुजफ्फर अली साहब की पहली पसंद थे खयाम साहब, जो उस वक्त उरूज पर थे और जिनका संगीत दूसरे मौसीकारों के मुकाबले बहुत अलग था, लिहाजा खयाम साहब को उस पिक्चर के लिए मुंतखब कर लिया गया। दोस्तों, खयाम साहब और उनकी शरीके हयात जगजीत कौर जी, जो खुद कमाल की सिंगर थी और जिन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए हैं, जैसे तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो या देख लो आज हमको जी भर के, उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। दोस्तों, इन दोनों गानों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों, बेशुमार सिटिंग्स और मीटिंग्स के बाद उमराव जान के कैरेक्टर को प्लेबैक देने के लिए आशा जी को मुंतखब किया गया और आशा जी उस वक्त उरूज पर थी और इतना बिजी थी कि दिन के 3 से 4 गाने रिकॉर्ड किया करती थी, 3 लाइव और 1 डबिंग। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा। फिल्म का पहला गाना आशा जी के हाथ में आया और रिहर्सलें शुरू हुई, गाना तैयार हो गया और आशा जी रिकॉर्डिंग रूम में पहुंची। जैसे ही साजिंदों ने सुर लगाए, आशा जी चौंक गईं और अचानक रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल आईं। दरअसल हुआ यूं कि खयाम साहब ने कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उस गीत को आशा जी के नॉर्मल सुर से 1.5 सुर नीचे कर दिया था और आशा जी इस एक्सपेरिमेंट से जरा अनजान थी। गुस्से और हैरत से आशा जी ने जगजीत कौर जी को बुलाया और ये बात उनके सामने रखी। जगजीत जी ने खयाम साहब को तुरंत बुलाया और आशा जी से मिलवाया। दोस्तों, बहुत समझाने के बाद आशा जी इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने खयाम साहब से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये गाना वो अपने नॉर्मल सुर से भी रिकॉर्ड करना चाहती हैं और उनके दिए हुए सुर से भी रिकॉर्ड करेंगी। खयाम साहब मान गए और लिहाजा इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, अब बारी थी इसी गाने को आशा जी के सुर में रिकॉर्ड करने की। जब हम किसी गीत के सुरों को चेंज कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारी पूरी ऑर्केस्ट्रा को सारी नोटेशंस चेंज करनी पड़ती हैं और इस प्रोसेस में 1.5 से 1 घंटा लग जाता है। इस दौरान आशा जी ने अपने रिकॉर्ड किए हुए गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों, वो गीत था दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। जैसे ही गीत शुरू हुआ,
आशा जी की आंखें बंद हो गई और पूरा गाना उन्होंने आंख बंद करके सुना। जैसे ही गाना खत्म हुआ उन्होंने खयाम साहब की तरफ देखा। दोस्तों, आशा जी ने खयाम साहब से कहा कि खयाम साहब, क्या ये मैं ही गा रही थी? खयाम साहब के डेढ़ सुर नीचे कर देने से उस गाने की खूबसूरती में चार चांद लग गए और आशा जी अपने ही गाए हुए गाने को सुनकर भाव विभोर हो गई। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दोस्तों, इस वाक्य के बाद सारे गाने आशा जी ने खयाम साहब के उस ही सुर से रिकॉर्ड किए और जो बहुत ही मकबूल हुए। दोस्तों, बात खयाम साहब की हो रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि खयाम साहब ने अपने जिंदगी की सारी पूंजी, सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दी है। दोस्तों, 19 अगस्त 2019 को खयाम साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन अपने संगीत के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जब भी मिलती मुझे अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। दोस्तों, ऐसे दिलचस्प किस्से मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप देखते रहिए किस्से कहे अनकहे मेरे यानी हर्षित के साथ, और करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।